पहली बार मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग महिलाओं की एक मास्टर शेफ रीवा खाना बनाने की कला को एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है, जो 19 मार्च को ये प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें रीवा शहर के जो भी 18 साल से लेके 80 साल तक जिनके हाथ में भी ये कला है वो अपना कला प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपनी जो भी कोई एक ऐसी डिश जिसको 4 पार्ट में विभाजित किया हुआ है, वेज है, नॉन वेज है, फ्रूट सलाद जो डेकोरेटिव आइटम होता है, प्लस स्वीट डिश, 4 तरह की कैटेगरी हैं और उसमें जो भी मेंबर भाग लेगा वो अपनी कोई भी एक डिश को वहाँ प्रेजेंट कर सकता है और वहाँ बाहर से काफ़ी लोग आएंगे, टीम आएगी जिसको टेस्टिंग होगी वहाँ पे और उसके आधार पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उसको प्रतियोगिता में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म विभाग और हमारी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के साथ मिलकर ये प्रतियोगिता जो हम कर रहे हैं उसमें विजेता को विशेष उपहार दिया जाएगा और ये प्रतियोगिता काफ़ी आगे तक जाएगी और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ हमारी जो संस्था है, महिलाओं की संस्था, जो महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन प्रेजेंट टाइम में हमारी संस्था है, ब्यूटी पार्लर कम से कम रीवा शहर में 500 ब्यूटी पार्लर हैं और सारे लोग हम उससे जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग से मिलकर दोनों के साथ कोलैबोरेशन करके ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और इस कार्यक्रम में रीवा के तमाम लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता होगी मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा TRS ये 19 मार्च को। पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है, हमारे जितने भी संस्था के जितने भी मेंबर हैं, जो भी ब्यूटिशंस हैं, सबके यहाँ प्रतियोगिता फॉर्म रहेगा, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहेगा वहाँ से फॉर्म ले लेगा, प्रतियोगिता फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहीं से उनकी रजिस्टर्ड होके उनको टाइम दे दिया जाएगा और सारे ब्यूटी पार्लर रीवा में जितने भी हैं सभी आयोजक होंगे इसके, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक आयोजक नहीं होगा, हम तमाम लोग आयोजक होंगे और हर ब्यूटी पार्लर में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध रहेगा। और स्वीट और डेकोरेशन और इसका जो है रेसिपी साथ लेके आनी है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको रेसिपी साथ पे लेके आनी है और जिस रेसिपी को वहाँ पे विनर घोषित करेंगे उनसे वहाँ पे वो बनवा के भी देखा जाएगा कि इनने कैसे बनाया और काफ़ी सारे जैसे मैम ने बताया तो काफ़ी सारे वहाँ पे प्राइजेस भी है विनर के लिए। और ये जो प्रोग्राम है ये RTO ऑफिस के पीछे जो MPT मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो है वहीं पे ही होगी, सुबह 11 से शाम 4 बजे करने जा रहे हैं, जिससे वो काफ़ी टाइम से ये करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे तो उनको भी एक सहयोग चाहिए था तो उस सहयोग को हमने पूर्ण किया है, हम लोग मिल के उनके साथ इस कार्यक्रम को देखिए वो तो ठीक है लेकिन टोटल जो व्यंजन बनेंगे टोटल बघेली व्यंजन रहेंगे नहीं नहीं जिसकी जो मर्जी हो जिसका भी जिसकी जो मर्जी हो वो ला सकता है बनाकर, बस 4 कैटेगरीज में रखा है साथ में वेज नॉन वेज रेसिपी लिख के लाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे अगर कोई भी जज होगा वो सवाल जवाब करेगा पूछेगा तो उनको ज़्यादा